स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। वीडियो में आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आया हूं। शाहगंज अयोध्या रोड पर पड़ने वाले गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर सामने देख सकते हैं गोसाईगंज रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। ये क्लिप 3 से 4 दिन पुरानी है, जब मैंने इस क्लिप का इस्तेमाल अयोध्या शाहगंज पर अकबरपुर जंक्शन से गोसाईगंज रेलवे स्टेशन का डबलिंग का वीडियो दिखाया था, तो उसमें भी हमने इस क्लिप का इस्तेमाल किया था। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा छोटा था, इस वजह से हमें इस क्लिप का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा है, तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो हाइट गेज हैं और ड्रॉप आर्म हैं, इसमें ब्रैकेट्स लगा लिए गए हैं और यहाँ पर अब वायरिंग का काम भी हो गया है। वायरिंग का काम को हम अभी आगे इसी वीडियो में आपको व्यू दिखाएंगे। और चूँकि सिर्फ वायरिंग का काम ही यहाँ पर होना है, हालांकि अभी जो प्रॉपरली वायर है वो नहीं कनेक्ट किए गए हैं, और जो हम आपको व्यू दिखाएंगे वो बाएं दिशा से दिखाएंगे, जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है। ये वीडियो गोसाईगंज रेलवे स्टेशन से अमन पांडे भाई ने भेजा है, जो कि अकबरपुर के रहने वाले हैं। अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो अब चलते हैं जहाँ पर नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को वायर नज़र आ रहे होंगे, एरो के रूप में हमने आपको दिखाया है। तो एटलीस्ट जो वायरिंग का काम है वो गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर शुरू कर दिया गया। काफ़ी देरी से यह काम शुरू हुआ। पिछले साल जब मैंने यहाँ दिसंबर 2019 में यात्रा की थी, तब यहाँ पर वायरिंग का काम नहीं हुआ था। अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक वायरिंग का काम हो गया था, और अकबरपुर जंक्शन से गोसाईगंज लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस 20 किलोमीटर की दूरी पर आने पर इनको लगभग 1 साल लग गया। तो बहुत धीमी गति से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ। हालांकि जफराबाद से लेकर अयोध्या होते हुए बाराबंकी रेलवे स्टेशन तक डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी होना है। हालांकि अभी सिंगल लाइन के लिए भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से ये वायरिंग हो रखी है। हालांकि हम आप लोगों को करीब से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये एक जानकारी मिल गई कि कम से कम यहाँ पर वायरिंग का काम शुरू कर दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि ये जो गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर जो वायरिंग हुई है, तो जब यहाँ पर प्रॉपरली वायरिंग हो जाएगी तो उसका व्यू भी हम आप लोगों को, उसका अपडेट भी आने वाले समय में देंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा। और देख सकते हैं ढेर सारा यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा हुआ है। पूरे स्टेशन का निर्माण किया जाना है, नए सिरे से L&T के पास ठेका है और लगभग 5 साल का वक्त दिया गया है, ऐसा एक पुराने सब्सक्राइबर का कहना है। और बहुत कुछ यहाँ पर रेनोवेशन भी होना है, रिमॉडलिंग भी होना है, तो बहुत कुछ नया और ओवरब्रिज और यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा अपडेट इलेक्ट्रिफिकेशन का, वायरिंग जो यहाँ पर हुई। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।